सुदीप जी, एक बार अदानी पोर्ट्स भी देखें सर, 2.5% की गिरावट अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे हमें दिख रही है, यहां पर क्या चल रहा है सर? दीपांशु, अदानी पोर्ट्स का यदि हम चार्ट देखें तो अगस्त महीने में जब स्टॉक ने 1600 का हाई लगाया था, वहां से कंटिन्यूअस डाउन मूव हमें दिख रहा है, एक स्टेडी डाउन मूव, यहाँ पे कोई शार्प कट नहीं लग रहा था पिछले तीन महीनों में, पर ये पिछले तीन चार दिनों में जो हमने देखा है कि स्टॉक ने जो हिसाब से 1400-1405 रुपए से ये जो डाउन मूव आया है, लगातार चार दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और स्टॉक अब फॉर्मली अपने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है और विथ नो साइंस ऑफ रिकवरी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा और ये डाउन साइड एक्सटेंड हो सकता है। तकरीबन जो इसका एक ट्रेंड लाइन आ रहा है वो 1225 से लेके 1240 तक आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एक कट आ सकता है यहाँ पे अगले कुछ दिनों में, तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग ना करें। पिछला जो एक इमीडिएट 1300 रुपए का जो एक स्विंग लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 1300 के नीचे यदि फिसल जाता है तो 1240 और 1220 के अगले दो लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे ये स्टॉक में, तो 1300 अगर लॉन्ग किसी का भी है तो मुझे लग रहा है कि 1300 हैज टू बी द स्टॉप लॉस, 1300 के नीचे इसे होल्ड ना करें, तो यहाँ उसके बाद ये एक फ्री फॉल यहाँ पे हो सकता है, तो 1300 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर।